नमस्कार, मैं चेतना, चेतनाज न्यू किचन में आपका स्वागत है। तो आज फिर मिल रहे हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। सर्दियों में मूली की भाजी सभी बनाते हैं, पर कभी आपने बनाई है इस तरह की मूली की भाजी? बहुत सारी सब्जियों के साथ हम बनाएंगे टेस्टी और हेल्दी मूली की भाजी। मूली की भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हमको फ्रेश मूली लेनी है, जिसके पत्ते भी बिल्कुल ताज़े हैं। इसमें हम पत्ते सहित मूली यूज़ करेंगे, पर यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। इसके पत्ते अलग कर दीजिए और अब इसमें से हम जो हरे हरे पत्ते हैं, सॉफ्ट हैं, वो निकाल लेंगे और डंठल भी बिल्कुल सॉफ्ट वाला यूज़ करेंगे। तो इस तरह से इसको पत्ते को अलग कर लीजिए। आप जितनी फ्रेश मूली लाएंगे उतने ही अच्छे पत्ते मिलेंगे और भाजी बहुत अच्छी बनेगी। तो इस तरह से सॉफ्ट डंठल वाले पोर्शन को हम अलग कर देते हैं। तो ये डंठल हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये टेस्टी नहीं लगेगा भाजी में। और अगर हम इतना सॉफ्ट डंठल यूज़ करेंगे और इस तरह के पत्ते, तो भाजी बहुत टेस्टी बनती है। और इसे हमें बिल्कुल नहीं उबालना है, बिना उबाले भी बहुत टेस्टी बनेगी और हेल्दी भी रहती है, क्योंकि उबालते हैं हम तो उसमें उसकी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से सारे पत्तों को साफ करके रख लीजिए। अब हम मूली को किस तरह से काटना है और साफ करना है यह देखते हैं। तो इसकी जो जड़ होती है उसको भी हम यूज़ करेंगे। तो साइड का पोर्शन इस तरह से थोड़ा सा निकाल दीजिए, हल्का हल्का छील के चाकू की सहायता से निकल जाएगा। और इसको भी हम भाजी में काट कर यूज़ करेंगे। अक्सर सभी इसे फेंक देते हैं, पर यह बहुत हेल्दी होती है, इसको ज़रूर यूज़ करिए। तो इसके भी बिल्कुल बारीक बारीक पीस कर लीजिए, चॉप करके इसको अलग कर देते हैं। और अब हम मूली को छील लेंगे। तो इसका जो ऊपरी छिलका है वो हम निकाल देते हैं। बिल्कुल फ्रेश मूली है, ताजी मीठी। इसको दो भागों में हम कट लगाएंगे और इस तरह से इसका छिलका निकाल देंगे। तो ये देखिए, छिलका हमने निकाल लिया है। अब हम इसके बारीक बारीक पीस करेंगे। जितने बारीक पीस करेंगे भाजी उतनी टेस्टी बनेगी। और हम इसमें मिलाएंगे भरपूर मनपसंद और सब्जियां भी। तो अभी तो हम मूली के पत्ते और मूली को किस तरह से काटना है, इस तरह से इसको सबको काट के रख लीजिए। तो ये मैंने बता दिया आपको मूली को किस तरह से काटना है और पत्ते किस तरह से निकालने हैं। तो जितनी भी मूली और पत्ते आपको यूज़ करने हैं, इनको इस तरह से काट के रख लीजिए। तो ये देखिए तैयार हैं। मूली के पीसेस भी बारीक बारीक काट लिए हैं मैंने, और प्याज भी काटा है, इसको छील के उसी तरह से बारीक काट लिया है मूली को। प्याज को भी काट लिया है, ये मैंने करीब 3 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के। और बारीक हरी मिर्ची, थोड़ी सी अदरक, इसको आप कूट के भी यूज़ कर सकते हैं और चॉप करके भी बारीक बारीक। तो ये सब चीज़ें डालिए और किस तरह से यूज़ करनी है भाजी में मैं बताऊंगी। इस भाजी बहुत ही टेस्टी बनती है। मटर, बारीक कटी गाजर और लहसुन। मूली की भाजी में लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर यूज़ करिएगा। और चाहे आप बारीक गोभी को भी काट के डाल सकते हैं सब्ज़ी, फ्रेंच बीन्स भी डाल सकते हैं। बिल्कुल बारीक काटिए, जो मनपसंद सब्जियां हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले सब्जियों को काट के इस तरह से तैयार कर लीजिए। ये पत्ते मैंने धो के साफ कर लिए हैं और इनको भी हम बारीक काट के रख लेंगे।
इसको हम जैसे मेथी काटते हैं, धनिया काटते हैं, उस तरह से ही बारीक काटना है, उसके बाद यूज़ करना है। अब हम एक कढ़ाई में सरसों का ऑयल डालेंगे। सरसों की ऑयल में भाजी बहुत टेस्टी बनती है। आप शुद्ध घी में बनाएंगे या रिफाइंड में बनाएंगे तो उतना टेस्ट नहीं आएगा। और इसमें मैं डालूंगी डायरेक्ट, जब ये तेल गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा बारीक कटा लहसुन। लहसुन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करिए, पर यूज़ ज़रूर करिए। और सबसे पहले हम इसको, लहसुन को तेल में थोड़ा सा तड़का लेंगे, भून लेंगे, जिससे कि ऑयल में इसका फ्लेवर मिक्स हो जाए। उसके बाद ही डालिएगा हरी मिर्ची और अदरक। अगर आप इस प्रोसेस से भाजी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी और सबको पसंद आएगी। और बहुत से लोग भाजी उबाल के बनाते हैं मूली की, लेकिन उसमें उसकी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। तो ये देखिए, तीनों चीज़ें जब हल्की सी भून जाएंगी, लहसुन तो हमने पहले ही भून लिया था, अब अदरक और हरी मिर्ची को भी भून लेते हैं। जैसे ही ये हल्की सी भुन जाएगी, हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे कटा हुआ। सब्जी को बनाने का अपना एक तरीका होता है, अगर आप उसको तरीके से बनाएंगे, हर सब्जी अलग तरीके से बनती है। और कौन सी सब्जी हमें कब ऐड करनी है, इसमें प्याज कब डालना है, लहसुन कब डालना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप इसी तरह से यूज़ करिए और सब्जी को टेस्टी बनाइए। इसको मिक्स करेंगे और हल्का सा पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट हम इसे धीमी आंच पे पकाएंगे। तो ये देखिए, हमने बिना ढके पकाया 2 से 3 मिनट, और जैसे ही इसका लुक थोड़ा चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, बस लुक चेंज हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें सारी सब्जियां ऐड कर देंगे। जो भी सब्जी डालनी है, आप इसमें बारीक गोभी भी डाल सकते हैं, फ्रेंच बीन्स डाल सकते हैं, अगर पत्ता गोभी चाहे तो थोड़ी सी मात्रा में बारीक काट के डाल सकते हैं। और अब जो वाइट पोर्शन था मूली का, वो हम बारीक कटा हुआ इन सब्जियों के साथ ही ऐड कर देंगे। अभी हम पत्ते नहीं डाल रहे हैं, पत्ते को डालने का तरीका बिल्कुल अलग है, वो ज़रूर ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी सब्जी डाली है और मूली कटी हुई, इन सभी को मैं मिक्स करूँगी। अभी हमने कोई भी मसाले ऐड नहीं किए हैं, ड्राई मसाले। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और करीब धीमी आंच पे हम इसे पकाएंगे 2 से 3 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। ये 2 से 3 मिनट पक के तैयार है। आपको दिखने में ही लग रहा होगा, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया है मूली का, प्याज का। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। मसाले हम सिर्फ, बहुत ही सिंपल, सिर्फ मिर्ची और नमक, लाल मिर्ची पाउडर मिला रही हूँ मैं, क्योंकि हरी मिर्ची हम यूज़ कर चुके हैं। हल्दी हम इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि भाजी में अगर आप हल्दी डाल देंगे तो भाजी का फ्लेवर थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है। बिना हल्दी के आप भाजी बना के देखिए, बहुत टेस्टी बनती है, सिर्फ लहसुन, प्याज और अदरक के तड़के से। तो ये देखिए, मैंने मिर्ची को भी मिक्स कर दिया। अब हम ऐड करेंगे कटे हुए पत्ते, लेकिन अभी भी ध्यान से वीडियो देखते रहिए, क्योंकि ये मैं सारे पत्ते सब्जी के ऊपर ट्रांसफ़र कर दूंगी, उसके बाद इन्हें पलटूंगी नहीं। अभी सब्जी में हमें पत्तों को मिक्स नहीं करना है, हम डायरेक्ट इसे ऐसे ही सेट करके ढक देंगे और पकाएंगे करीब धीमी आंच पे 5 मिनट। बिल्कुल सिम कर दीजिए गैस को और 5 मिनट तक इसे पकने दीजिए। तो ये देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट बाद वापस चेक करते हैं, तो ये देखिए, पत्ते भी काफ़ी
पक गए हैं और पलट के देखते हैं भाजी भी पक गई होगी, सारी सब्जियां। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि हमने पहले मिक्स नहीं किया था। अगर आप इस प्रोसेस से बनाएंगे तो मूली की भाजी बहुत टेस्टी बनेगी, और अगर आप पत्ते पहले मिक्स कर देते तो टेस्ट में काफ़ी फर्क आ जाता। तो इसलिए आप दोनों तरह से बना के देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि सब्जी कौन सी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो पत्ते और सारी सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी ये थोड़ी कम गली है, मैं आपको चेक करके बताऊंगी। ये देखिए, आपको देखने में ही लग रहा होगा अभी पूरी तरह नहीं गली है, बहुत गर्म है। तो हम स्पून की सहायता से चेक करते हैं थोड़ा, लेकिन अब हमें इसे ढककर नहीं पकाना है, बिना ढके हम भूनेंगे। इतनी गल चुकी है कि अब ये जब हम इसको भूनेंगे थोड़ा तो ये अच्छे से गल जाएगी, क्योंकि पीसेज हमने बहुत बारीक काटे थे। तो करीब 20% रह गई है, उसको हम भून के गला लें। इसको फिर से सेट कर देंगे मिक्स करके, और बिना ढके हम 2-3 मिनट तक पकने देंगे। वापस चलाएंगे, इस तरह से 2-3 बार पलट के, 3 से 4 बार पलट के 3-3 मिनट के लिए भूनने दीजिए, और इसको अच्छे से भून लीजिए। जैसे हम मेथी आलू बनाते हैं और भाजी हरी भाजी बनाते हैं, उसको भूनते हैं सूखी, उसी तरह से इसे भी भून लीजिए बिना ढके। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको पलटते जाएंगे। फिर सेट कर देंगे और वापस इसे 3 मिनट तक पकने देंगे। अब आपको देखने में ही लग रहा होगा, मैंने इसे पलट पलट के बार बार 2 से 3 मिनट इसी तरह बिना ढके अच्छे से भून लिया है। काफ़ी भून चुकी है, पत्तों का कलर अलग दिखने लगता है, वो बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, देखिए। तो ये गर्मा गर्म मिक्स वेज मूली की भाजी बनके तैयार है। आप इसे रोटी, पराठा किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है, और हेल्दी तो ये है ही क्योंकि इसमें इतनी सारी सब्जियां और हरे पत्ते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस सीज़न में, क्योंकि मूली बहुत अच्छी आती है, और मीठी मूली की अगर आप ऐसे भाजी बनाएंगे ताज़ी मूली की तो बहुत टेस्टी बनेगी। तो अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। गर्मा गर्म मूली की भाजी सर्दियों में आप चाहें तो इस तरह से बच्चों को बना के टिफ़िन में भी रख सकते हैं, और वो खुशी खुशी खा लेंगे, उन्हें कोई ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या, क्योंकि इसमें मटर भी है, गाजर भी है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सब सब्जियों का फ्लेवर आता है। तो केवल मूली की भाजी ऐसा लगता है कि हम मूली की, प्लेन मूली की भाजी नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं है। आप इसको मिक्स सब्जियों से बनाइए और सबको घर में खिलाइए। तो आप भी बनाइए, सबको खिलाइए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।